एंड टुडे वी आर स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस क्लीन एंड ग्रीन वर्ल्ड सब हम क्लीन द वर्ल्ड एंड सेव ट्रीज हम यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए इन सबको जागरूक करने आए हैं और प्लीज़ आप भी पेड़ों को बचाएं और पानी की पानी को सेव करें थैंक यू वी द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल आर हियर टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ आर मदर अर्थ वी आर हियर विद अ मोटो गो ग्रीन बी क्लीन सेव अर्थ Good morning. We the students of DWPS are here for signature campaign to save environment. We want everyone to go green and avoid the usage of plastic bags. We are distributing the paper bags to promote recycling. मेरा नाम रिश्ती भक्तानी है हम लोग यहाँ पे दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल से आए हैं यहाँ पर हम लोग पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करा जाए कैसे बचाया जाए उसके लिए हमने पूरे वीक के अंदर हम लोगों ने अपना सेशन शुरू करा है जिसके अंदर हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे पेड़ों को बचाया जाए कैसे धरती को प्रोटेक्ट करा जाए और कैसे हम अपने संसार को और अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ बच्चों ने पेड़ पौधे लगाए हैं ये पेपर बैग्स बनाए हैं ताकि पॉलीथीन बैग्स हम यूज़ ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यावरण को सुरक्षित करें अच्छा लगाया कैंपेन लगाया है जिसके अंदर सब लोगों को हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम प्रकृति को बचाया जा सके और पर्यावरण को आगे से आगे हम सुरक्षित कर सकें दीपिका गंगवानी देख रहे हैं कि हम दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल से जो कि अजमेर के हम लोग हैं हम यहाँ पर आए हैं पर्यावरण की जागरूकता के लिए हमने एक रैली करी है यहाँ पर इस रैली का माध्यम हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि पर्यावरण है तो कल है अगर हमारे पास में पर्यावरण नहीं है अगर हमारे पास में नेचर नहीं है अगर हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता नेचर की कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं आज आप देख रहे हैं हमारे देश में बारिश नहीं है आज आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान सूखा पड़ा है आज आप देख रहे हैं हमारे राजस्थान में पानी पीने के लिए नहीं है आज हम समस्याओं से जूझ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन बहुत हो रहा है लोग साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं फिर भी लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं आज आप देख रहे हैं इस चौराहे पर से हाल कितनी गाड़ियां और कितना एयर पॉल्यूशन हो रहा है हम बच्चों के माध्यम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि यही एक टाइम है यही एक समय है कि हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर आज आप जागे नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन हमारे आने वाली जो पुश्ते हैं वो कैसे इस पर्यावरण से वंचित रह जाएंगे आज इसलिए हमने ये रैली करी है कि हम लोगों से बात करेंगे और बताएंगे लोगों को कि पर्यावरण है तो कल है धन्यवाद मैं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल से भूगोल विभाग से शुभांग मेहरा अजमेर